उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद के नौगावां सदात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव हिजामपुर के रहने वाले युवक का मोबाइल बात करते समय अचानक धमाके के साथ फटा, लेकिन युवक बाल बाल बच गया। बता दें कि गांव हिजामपुर के और आने वाले हिमांशु ने बताया कि उसने 4 महीने पहले मोबाइल खरीदा था। आज वह अचानक बात कर रहा था तभी उसका मोबाइल बात करते समय फट गया। गली मत रही कि वह बाल बाल बच गया और पूरी तरह सुरक्षित है। इस मामले में उसने मीडिया कर्मियों को पूरे मामले की जानकारी दी है और अपने मोबाइल के बिल के साथ साथ कटे हुए फटे हुए मोबाइल को सबके सामने दिखाया है। बता दें कि इस खबर को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मोबाइल फ़ोन जितना ज़्यादा लाभदायक है उतना ही ज़्यादा खतरनाक भी, इसलिए इसका इस्तेमाल सावधानीपूर्वक करना चाहिए। हिमांशु ने क्या कुछ कहा, देखिए मोहम्मद वसीम की इस रिपोर्ट में। जी क्या नाम है तुम्हारा? हिमांशु कुमार। क्या मामला है तुम्हारा? ये मोबाइल फोन लेता है रियलमी 8 अमरोहा से, सना टेलीकॉम से, 16,000 रुपए का। इसमें आज बात करते हुए आग लग गई है, बार बार बच्चा हूँ, उंगली भी लगी है इसमें, उंगली में चोट आई। कब लिया था ये तुमने? लिया था 31/8/2022। और ये हादसा कब हुआ? ये आज सुबह 11 बजे। 4 महीने हुए अभी फोन लिए। कहाँ के रहने वाले हो? विलेज इस्लामपुर है, पोस्ट क्या लग रही है, तहसील नौगावा सदात है, जिला अमरोहा। और मोबाइल लिया कहाँ से था? अमरोहा सना टेलीफोन से। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।